बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अजीन फूड्स। आज हम बनाएंगे चिकन चुक्का और बन परोटा की रेसिपी। चिकन चुक्का या फिर इसको चिकन सुक्का भी कह सकते हैं, बहुत ही मजे का और यूनिक फ्लेवर होता है इसका। उसी के साथ ये बन परोटा बहुत ही जबरदस्त सा कॉम्बो मील है ये संडे ब्रंच के लिए, तो एक बार इसको जरूर ट्राई करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो फिर चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। चिकन सुक्का बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 800 ग्राम चिकन लिया है। इसको अच्छे से धोकर इसका पूरा पानी ड्रेन कर लिया है। अब इसको मैरिनेट कर लेते हैं। आधा चम्मच हल्दी का पाउडर डालेंगे इसमें, उसी के साथ डालेंगे इसमें एक चम्मच या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और अब इसमें डालेंगे 3 से 4 टेबल स्पून दही। दही डालने से चिकन अंदर तक सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होता है। तो पहले इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद चिकन को आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है। और जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है तो हम बन परोटा के लिए डो बनाकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम मैदा लिया है। मैदे को अच्छे से छान कर लेंगे। फिर इसमें सेंटर में इस तरह से एक जगह बना लेना है। पहले इसमें एक अंडा डालेंगे। अगर आपको अंडा नहीं पसंद तो इसको स्किप कर दीजिएगा। फिर इसके बाद इसमें डालेंगे 1 चम्मच की जितनी शक्कर, और इसमें डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, और उसी के साथ डालेंगे 1/2 चम्मच या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और अब इसमें हल्का गरम दूध डालेंगे 1/2 कप के जितना। पहले थोड़ा सा दूध डालकर एक बार इसको मिक्स कर लेंगे। और जब ये अच्छे से मिक्स हो गया है तो इसको अब हाथों से गूंद लेंगे। और इसमें बाकी बचा हुआ दूध डालकर भी इसको बहुत अच्छे से गूंद लेना है। और अगर ज़रूरत पड़े तो इसमें हल्का गर्म पानी डालकर इसको अच्छे से गूंद लेंगे और इसका एक सॉफ्ट और मुलायम सा डो बनाकर तैयार करेंगे। देखिए अब अच्छे से बाइंड हो गया है। तो इसमें 2 से 3 टेबल स्पून के जितना ऑयल डालेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए गूंद लेना है ताकि आटे में ऑयल अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। अब देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, तो इसको ऊपर अच्छे से ऑयल लगा देंगे और इसको 1/2 घंटे के लिए ढक करके एक साइड पे रख देंगे। और अब यहाँ पर चिकन सुक्का बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई रख ली है गैस पर। इसमें डालेंगे 4 से 5 टेबल स्पून की जितना ऑयल। ऑयल को मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेना है। फिर इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, उसी के साथ डालेंगे 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए। और अब इसमें 3 से 4 हरी मिर्च को बीच में से स्लिट करके डालेंगे। हरी मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब इसमें डालेंगे 10 से 12 कड़ी पत्ते। कड़ी पत्तों का टेस्ट चिकन चुक्का में बहुत अच्छा लगता है। एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर और कुछ देर के लिए भून लेंगे इन मसालों को। अब इसमें कुछ पाउडर्ड मसाले ऐड कर लेंगे, तो गैस की फ्लेम को लो कर देना है। और इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून भरकर धनिया का पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इन मसालों को मिक्स कर लेना है। और कुछ देर के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे इन मसालों को। लाल मिर्चों की क्वांटिटी को अगर आप तीखा कम खाते हो तो कम कर लीजिएगा। और अब यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को इस तरह से चॉप करके डालेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर टमाटर को पीस कर भी डाल सकते हो, लेकिन चॉप किए हुए टमाटर जब भूनते हैं मसालों के साथ तो टेस्ट अच्छा आता है। और अब टमाटर को भी इन मसालों के साथ जब तक पका लेंगे जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। और अब यहाँ पर टमाटर अच्छे से गल गए हैं तो इसमें मैरिनेट किया हुआ ये चिकन डाल देंगे और उसी के साथ डालेंगे 1 चम्मच चिकन मसाला पाउडर। अगर आपके पास हो तो डालिए, वरना इसको स्किप कर दीजिएगा। और अब मीडियम टू हाई फ्लेम पर चिकन को एक बार मिक्स कर लेंगे इन सारे मसालों के साथ। उसके बाद अच्छे से भून लेंगे। जब तक भून लेंगे जब तक कि चिकन का कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता और मसालों में से ऑयल थोड़ा थोड़ा अलग नहीं दिखाई देता। और उसके बाद हमें चिकन को कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट तक के लिए लो फ्लेम पर पकने देना है। और क्योंकि हमने इसमें दही भी ऐड किया था और दही और चिकन दोनों अपना पानी छोड़ते हैं और उसी पानी में चिकन गल जाएगा, तो अब इसको कवर करके पकने देंगे। यहाँ पर तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं चिकन को पकते हुए। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज को फ्राई करके इस तरह से बिरिस्ता बना लिया था, वो डाल देंगे। इस तरह से फ्राई की हुई प्याज का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है चिकन में। और अब एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे चिकन को प्याज के साथ और कुछ देर के लिए पकने देंगे जब तक कि चिकन का पानी भी ड्राई हो जाएगा। और चिकन सुक्का में जो यूनिक सा फ्लेवर होता है वो इन प्याज की वजह से ही आता है। और अब यहाँ पर चिकन का पानी भी अच्छे से ड्राई हो गया है और प्याज भी जो है वो चिकन के साथ अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे जिससे इसका टेस्ट और फ्लेवर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे चिकन को। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़े का चिकन सुक्का बनकर तैयार हुआ है। तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ढक करके एक साइड पर रख देंगे। और अब हम चलते हैं बन परोटा बनाने की तरफ। यहाँ पर तकरीबन 1/2 घंटा हो गया है हमें डो को रखे हुए। डो भी हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। 1 मिनट के लिए इसको मसल कर चिकना कर लेंगे। अब हमें इसमें से लेमन साइज़ के जितने बॉल तोड़ लेना है।
और अब इस पेड़े को अच्छे से स्मूथ कर लेना है। आप अपने हिसाब से बड़े या छोटे पेड़े बना सकते हो। देखिए इस तरह से, अब इसको एक साइड पर रख देंगे और बाकी सारे डो के इसी तरह से पेड़े बनाकर रख लेंगे। और अब यहाँ पर बन परोटा बनाने के लिए बोर्ड पे थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। हमें इसको ऑयल में ही बेलना है, यहाँ पर सूखा आटा यूज नहीं करेंगे। और अब इसको रोल कर लेना है, जितना पतला हो सके उतना पतला इसको रोल करेंगे। देखिए इस तरह से, अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, ऑयल को हर तरफ अच्छे से स्प्रेड करेंगे और अब इसको फोल्ड करेंगे, देखिए इस तरह से। और अब जैसे कि मैं वीडियो में बता रही हूँ, इसी तरह से आपने इसको रोल कर लेना है। और जबकि ये रोल हो गया है तो इस तरह से इसको प्रेस कर देंगे और इसको बन की तरह बना लेंगे। अब इसको हमें रोल नहीं करना है, इसी तरह से हाथों से प्रेस करके थोड़ा सा फ्लैट कर लेना है। और अब हमें इन बन परोटा को सेक लेना है। यहाँ पे मैंने एक पैन को मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया है और अब ये बन परोटा इसमें डाल देंगे। और अब इन पराठों को लो टू मीडियम फ्लेम पर सेक लेना है। गैस की फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे क्योंकि ये थोड़े से मोटे होते हैं तो अंदर तक सेकना ज़रूरी है। और अब इस पर थोड़ा सा तेल डालकर इसको पकने देंगे। थोड़ी देर के बाद इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। देखिए ये एक साइड से अच्छे से पक रहा है, दूसरी साइड से भी इसी तरह से प्रेस करते हुए इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लेना है। इसी तरह से साइड्स को चेंज करते रहेंगे और इसको प्रेस करते हुए पका लेंगे। और अब आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है इन पराठों के ऊपर। बस इसी तरह से पका लेंगे और अब इनको निकाल कर गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो अब तैयार है एकदम डिलीशियस और बहुत ही मज़े का चिकन चुक्का और बन परोठा। बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बो है ये संडे ब्रंच के लिए। एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही आसानी से ये बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। संडे के दिन अगर ब्रेकफास्ट लेट हो गया हो तो ब्रंच के लिए इसको ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।